आप खा रहे हो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों ये फोटो कल एक दोस्त ने मुंबई से भेजी थी, उन्होंने जो गोलगप्पे वो बनाए थे, तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। तो आज नीचे जो है गोलगप्पे बन रहे, चलिए देखते हैं। अभी मैं वीडियो फिनिश करके आया हूँ, एक अपलोड करके आया हूँ हमारे सेकंड दूसरे चैनल गार्डनिंग का वीडियो। तो अब नीचे चलते हैं और देखते हैं। गोलगप्पे तो ठीक बन जाते हैं, जो पानी है उसका होता है मेन, तो पानी कैसा बनता है वो देखते हैं। तो अभी सिर्फ गोलगप्पे बनाएंगे, शाम को जो पानी बना के फिर खाएंगे। चलिए चलते नीचे देखते हैं। दोस्तों देखते हैं, मैं बना रहा हूँ ये फूलती है नहीं। ओहो ये कर दो, जान दो, फूल दो, फूल दो। ओ बेटे पूरी बन गया, तो पूरी बन गई, पूरी क्रेज है रे, फूक गया, फेल हो गया हम तो। दोस्तों ये मैंने बनाई है लेकिन अच्छी नहीं बनी यार, ये तो पता नहीं कैसी बन गई। ये मिन्नू की बनाई हुई देखो, और मेरी देखो कितनी बढ़िया है, मेरी वाली मेरी वाली ज्यादा बढ़िया है, पपड़ी में काम आएगी। शाम को खाते हैं गोलगप्पे। दोस्तों गोलगप्पे जो है वो बन गए हैं, देखिए अभी मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ कैसे हैं। अभी मैं काम कर रहा था ये देखिए, और तभी मीनू लेके आई, अब मीनू पकड़ी कैमरा और मैं खाऊंगा गोलगप्पे। आप खा रहे हो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों मैं ये और फिनिश करता हूँ। दोस्तों मेरे यहाँ पे आंगन में एक पेड़ है सहसुत का, तो उस सहसुत पे हमने कुछ सहसुत तोड़े हैं, वो आपको दिखाता हूँ। क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज है तो इस वजह से क्या है, उस पर जो सहसुत लगे हैं वो गिर जाते हैं गर्म लू से, तो हमने सोचा उसको तोड़ देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो सुबह जो है किसी को दिए थे, अभी फिर से तोड़े हैं, वो किसी और को देंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ, इस पर जो सहसुत है वो अभी भी काफ़ी लगे हैं, और नीचे देखिए कितना ढेर लग जाता है। इस चादर पर हमने जो है दो बंदों ने इसको पकड़ा, और ऊपर से जो ट्री थे उसके जो सहसुत थे उसको हिला दिया, तो इस पर गिर गए थे। इसमें से जो है हमने जो अच्छे अच्छे हैं वो यहाँ पे छाज के यहाँ पे रख लिए हैं। दोस्तों देखिए ये सहसुत हमने इसके अंदर से निकाले हैं, और कुछ जो है फ्रिज में रखे हुए हैं। दोस्तों एक यहाँ पे हमारे घर के आंगन में जो तीन बड़े पेड़ जो है जामुन के थे, पहले उस पर जामुन लगती थी, जो देसी जामुन होते छोटी वाली वो, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगती थी, और जो सिटी से जो है वहाँ से लोग आते थे उसको खाने के लिए। अभी लॉकडाउन की वजह से कोई नहीं आता यहाँ पे, अदरवाइज सहसुत के लिए भी काफ़ी आते हैं। इनको अभी पानी में नहीं धोएंगे, ऐसे कैसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ख़राब ना हो, फिर जो अंकल जी आएंगे तब उनको दे देंगे। चलिए इनको फ्रिज में रख देते हैं। दोस्तों सामने जो आपको ये मटके दिख रहे हैं, इसके अंदर जो पक्षियों को पानी देने के लिए बनाए हैं, जो पहले हम रख के आए थे छोटे, उनको शायद डॉग ने तोड़ दिया, तो दोबारा से बनाएंगे और ये रख के आएंगे अभी। ना बस एक मामे लटका दे, हाँ वो अल्लाह मारो गाल दे वाले सीटी फिर निकाल दे। Thank you.
हमने जो है अभी तीन इस तरह से मटके जो है वो तैयार किए हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर पर पेड़ पर जो है वो हम लगा देंगे ताकि जो पक्षी है वो दोपहर में यहाँ पे पानी पी सके। यहाँ पे क्या एक टैंक है जो पानी के जाता है मेरे कजिन का, वो जो बड़ी वाली टैंक है उसमें पानी डाल देता है, उसमें से जो है हम पानी लेकर इनको भर दिया करेंगे जैसे सुबह वॉक के लिए आएंगे तब। तो अभी बाकी काम करते हैं फिर आपको बाद में मिलते हैं। ये देखिए ये दो और अभी हम लगाएंगे यहाँ पे, इस पेड़ पे लगा देते हैं या फिर उस पे। एक हमने वहाँ लगा दिया, एक छोटा वहाँ पे मैंने रखा हुआ है जो दो दिन पहले हम आए थे तब रखा था, लेकिन वहाँ पे क्या है नीचे है वो तो डॉग्स जो है वो बखेर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे तोड़ भी दिया एक। तो दोस्तों देखिए जो सामने हमने अभी जो रखा था पानी वहाँ पे एक चिड़िया नीचे आ भी गई है, उसमें पानी पी रही है, नहा रही है। एक उसके ऊपर जो है पेड़ पर बैठी हुई है, और दोपहर में देखना कितनी चिड़िया आ जाएगी, उस साइड भी काफ़ी चिड़िया है। और अब इनको पता लग गया कि पानी रखा हुआ है तो सारी आ जाएगी, एक्चुअली में ये सारी यहीं पर इकट्ठा होती है। देखिए वो आ गई पानी के ऊपर, देखिए तीन चिड़िया अभी, एक उस साइड रखा है, दो हमने रख दिए, अभी तीसरा और रखेंगे। दोस्तों एक हमने यहाँ पे रख दिया है, ये एक झाड़ी है उसके बीच में रख दिया है ताकि यहाँ पे डॉग्स कांटों की वजह से आएगा नहीं और चिड़िया यहाँ पे आराम से जो है पानी पी सकेगी। डॉग्स के लिए जो बड़ी टंकी रखी है वो है तो वो वहाँ पे पियेंगे। इस तरह से क्या जो पक्षी है उनको पानी पीने को मिलेगा। गर्मी जो है दोपहर में यहाँ पे बहुत तेज हीट होती है और पानी जो है वो मिलता नहीं इनको। हम दो दिन पहले यहाँ दोपहर में आए थे क्योंकि पावर नहीं थी घर पे, तो हम सोचा देख के आते हैं चिड़िया का जो पानी वगैरह वो है या नहीं। तब यहाँ पे पानी नहीं था, चिड़िया बेचारी परेशान हो रही थी, तो सोचा ऐसे कुछ बना देते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी है वो पी सके। तो आप भी अपने आसपास जो है किसी बर्तन में इस तरह से पानी रखिए ताकि पक्षी जो है उसमें पानी पी सके। डॉग्स के लिए भी रखिए क्योंकि डॉग्स के लिए हमने यहाँ पे जो टंकी रखी हुई है उसमें पानी डाल देते हैं तो उससे पानी पी लेते हैं। अब घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अभी सुबह सुबह हम आए थे बिल्कुल सुबह सुबह, अब चलते हैं घर।